हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलप्रीत कौर। आज दा अपना बिजनेस स्टडी दे विच टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनीज़ दे मैरिट्स एंड डीमैरिट्स। बेटा, पिछले लैक्चर विच असी कर चुके हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की होंदियां ने। हुण अगे ई कंपनीज़ दियां, जिस देश विच ई कंपनीज़ अपनियां ब्रांचेज़ ओपन करदियां ने जां एस्टैबलिश करदियां ने, उन्हां कंट्रीज़ विच इन्हां दे इस्टैबलिश होने नाल की लाभ होंदे है जां की नुकसान होंदे है, मैरिट्स की ने इन्हां दे ते डीमैरिट्स की ने, इस दे बारे विच पढ़ांगे। सब तो पहला तां मैरिट्स, मैरिट्स दे विच सब तो पहला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटा, जिहड़े अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ होंदियां ने, इन्हां दे विच टेक्नोलॉजी होंदी है जिहड़ी, ओह पुअर क्वालिटी दी होंदी है ते टेक्नोलॉजी दा जां टेक्नीक दा जिहड़ा लैवल हुंदा है वह बहुत लो हुंदा। जदों मल्टीनेशनल कारपोरेशनस जां कंपनीज़ अपनियां इन्हां देशां दे विच ब्रांचेज़ एस्टैबलिश करदियां ने, तां इन्हां नूं देशां नूं टेक्नीकली भी काफ़ी प्रॉफिट हुंदा है। इन्हां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे नाल अंडर डिवेलप कंट्रीज़ नूं अपनी टेक्नीक नूं बैटर बना के अपनियां प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां उन्हां नूं एफिशिएंट बनाउण विच हेल्प मिलदी है। सैकेंड है कैपिटल फॉर्मेशन। सानू पता ही है बेटा, जिहड़े गरीब कंट्रीज़ ने जां अंडर डिवेलप कंट्रीज़ ने, डिवेलपिंग कंट्रीज़ ने, इन्हां दे विच फिजिकल कैपिटल की काफ़ी कमी होण करके इन्हां नूं अगे कैपिटल जिहड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जां कोई भी एक्टिविटीज़ ने उन्हां दे विच उन्हां नूं अगे डिवेलप करन विच प्रॉब्लम आउंदी है। पर जिहड़ियां इह मल्टीनेशनल कारपोरेशनस हुंदियां ने, कंपनीज़ हुंदियां ने, इन्हां कोल कैपिटल दा काफ़ी भंडार हुंदा है ते जिस देश विच इह अपनियां ब्रांचेज़ एस्टैबलिश करदियां ने उस देश नूं भी कैपिटल फॉर्मेशन दे विच काफ़ी मदद मिलदी है। थर्ड है इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। मल्टीनेशनल कारपोरेशनस जदों किसी देश दे विच अपनी ब्रांच एस्टैबलिश, उस देश विच अपने उत्पादन दियां बैटर टेक्नीक्स लैके आउंदियां हन, जिस नाल इन्हां देशां दे उत्पादन भी वर्ल्ड मार्केट विच कॉम्पीटिशन दे योग हो जांदे हन। इहदे नाल इन्हां देशां दा जिहड़ा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हुंदा है वह इन्हां दा बैलेंस होना शुरू हो जांदा है ते इन्हां दे प्रोडक्ट वधिया क्वालिटी होण करके वधिया कीमतां ते विकणे शुरू हो जांदे ने ते बैलेंस ऑफ ट्रेड दा जिहड़ा इमबैलेंस हुंदा वह ठीक हो जांदा है। नैक्सट है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की घट लागत। मल्टीनेशनल कारपोरेशनस बहुत बड़े पद्धर ते उत्पादन करदियां ने, जिन्हां नाल उत्पादन लेबर दे प्रयोग जां रॉ मटीरियल दी जिहड़ी यूज़ है उहदे विच पैमाने दियां बचतां प्राप्त होण लगदियां हन। इस नाल उह घट लागत ते वस्तुआं पैदा करके वधिया अपनी जिहड़ी डिमांड है क्रिएट कर लैंदे हन। इस दे नाल लागत घट ते लाभ ज़्यादा प्राप्त हुंदे हन। नैक्सट है फिलिप टू डोमैसटिक इंडस्ट्रीज़, घरेलू उद्योगों नूं हल्लाशेरी। जदों मल्टीनेशनल कारपोरेशनस किसी होस्ट कंट्री विच अपनियां ब्रांचेज एस्टैबलिश करदियां ने, तां इस तरह उत्थों दे जिहड़ियां कारपोरेशनस हुंदियां ने जां कंपनीज़ हुंदियां ने उन्हां नाल इकनोमिक एग्रीमेंट्स कर लैंदे ने, जिस करके जिहड़ियां नेटिव देश दे विच जां होस्ट कंट्री दे विच जिन्नियां भी कारपोरेशनस हुंदियां ने उन्हां नूं भी लाभ होना शुरू हो जांदा है। नैक्सट है रुजगार दे मौक्यां विच वाधा, क्रिएटिंग इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जदों बहुराष्ट्रीय कंपनियां जां MNCs किसी देश दे विच काफ़ी वड्डे पद्धर ते उत्पादन करदियां ने तां डिवेलपिंग कंट्रीज़ दे विच काफ़ी रुजगार दे मौके पैदा करदियां ने, जिस करके उत्थों दी जो लेबर पावर है उसनों अपने आप नूं लेबर मार्केट दे विच इंप्रूव करन दा मौका मिल जांदा है ते उत्थों जिहड़ी बेरोज़गारी है उहदा पद्धर घट जांदा है। नैक्सट ते लास्ट है रिसर्च एंड
डिवेलपमेंट एक्टिविटीज़ खोज अते विकास नाल संबंधित गतिविधि। ये जिहड़ियां मल्टीनेशनल कारपोरेशनस होंदियां ने इन्हां कोल रिसोर्स दे काफ़ी भंडार होंदे ने, काफ़ी कैपीटल होंदी है ते टैक्नीक दा पद्धर काफ़ी उच्चा होण करके अंडर डिवेलप्ड जां डिवेलपिंग कंट्रीज़ नूं खोज अते विकास दे खर्च करन लई काफ़ी मदद प्रोवाइड करदियां ने। एसी बेटा मल्टीनेशनल कारपोरेशनस दे लाभ। अगे है डीमेरिट्स ऑफ MNCs। फर्स्ट नंबर है डिसरिगार्ड फॉर नेशनल प्रायोरिटीज़, राष्ट्रीय प्राथमिकतावां नूं कोई महत्व नहीं। मल्टीनेशनल कंपनीज सिर्फ अपने लाभ बारे सोचदियां हन, इन्हां दा मोटिव अपना लाभ कमाउणा हुंदा है। होस्ट कंट्री दे नेशनल प्रायोरिटीज़ नूं इह कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिंदियां। हुण नैश किसी भी देश का विकास अपनियां प्राथमिकतावां ते डिपेंड करदा हुंदा है। जिवें साडे वर्गे घट पिछड़े घट विकसित देशों दे विच रुजगार पैदा करना जां पिछड़े खेत्रां दा विकास करना, यह सब कुछ ध्यान विच रख के कोई प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बनाईआं जांदीआं ने। पर मल्टीनेशनल कारपोरेशन जिहड़ियां हुंदीआं ने इस तरह दीआं प्राथमिकतावां वल कोई ध्यान नहीं दिंदीआं। नैक्सट है क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज़, एकाधिकार की स्थापना। जिहड़ियां इह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुंदीआं ने इह किसी भी होस्ट कंट्री दे विच बाज़ार उपर अपनी पूरा कंट्रोल करके एकाधिकार बनन की कोशिश करदियां ने। छोटियां अते जिहड़ियां वीक यूनिट्स हुंदियां ने प्रोडक्शन, उन्हां ते अपनियां वस्तुआं नूं विश्व बाज़ार विच वेचण दा उन्हां कोल इन्नी पार नहीं हुंदी। उन्हां दा माल है जिहड़ा होम वर्ल्ड मार्केट दे विच इन्ना कंपटीशन दे विच नहीं आ सकदा हुंदा। इसलिए इह जिहड़ियां कंपनियां हुंदियां ने इन्हां छोटियां कंपनियां दा खात्मा कर दिंदियां ने ते मोनोपोली क्रिएट कर लैंदियां ने। नैक्सट है हार्मफुल फॉर प्रोड्यूसर, उत्पादकां लई हानिकारक। मल्टीनेशनल कारपोरेशन जब किसी देश दे विच आ के अपना उत्पादन वेचना शुरू कर दियां ने तां जिहड़ियां लोकल प्रोड्यूसर्स हुंदे ने उहनां नूं इहनां दे कंपीटीशन दा सामना करना पैंदा है। उहनां दी लो क्वालिटी होण करके उहनां दीआं वस्तुआं इहनां कंपनियां दे माल अगे टिक नहीं पाउंदियां ते इस तरह उहनां प्रोड्यूसर्स नूं नुकसान हुंदा है। इहदी इक उदाहरण भी है जिवें इंडिया दे विच थम्स अप ते लिमका बनाउण वाली जिहड़ियां कंपनियां सी इहनां नूं कोका कोला ने अपने अंडर मिला लिया, इह वी इक मोनोपोली है। नैक्सट है हार्मफुल टू कंज्यूमर, उपभोक्तावां लई हानिकारक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जदों अपनी एकाधिकारी स्थापित कर लैंदियां ने, मोनोपोली क्रिएट कर लैंदियां ने, तां होर कंपनियां नूं बाज़ार विच्चों लगभग खत्म कर दिंदियां ने। इस तरह जिहड़े प्रोड्यूसर ने उहनां नूं तां नुकसान हुंदा ही है, नाल ही नाल कंज्यूमरस नूं भी बहुत तरह के नुकसान उठाने पैंदे ने। उहनां नूं सिर्फ उही कंपनी का माल खरीदण नूं रह जांदा है ते उह कंपनी कई बार दिखावा जां मशहूरी दे ढंग नाल एडवरटाइजमेंट दे सहारे अपना घटिया माल भी वध रेट ते वेचदियां ने। इस तरह प्रोड्यूसर कंज्यूमरस का एक्सप्लाइटेशन करदियां ने कंपनीज़। नैक्सट है प्रमोट एलियन कल्चर, विदेशी सभ्याचार नूं उत्साह। ये कंपनीज़ कम्युनिकेशन दे सहारे होस्ट कंट्री दे विच अपना जिहड़ा कल्चर है उसनूं प्रमोट करदियां ने। अपने देश दा खाना जां उस तरह दे पहरावा जां महंगीयां होर चीज़ां ने जिहड़ियां उहनां नूं लॉन्च करके किसी होस्ट कंट्री दे जिहड़ा कल्चर है उहनूं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर दिंदियां ने। नैक्सट है पोलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कोल बहुत ज़्यादा आर्थिक शक्ति कंसंट्रेशन होण करके इन्हां दा होस्ट कंट्री दी जिहड़ी पॉलिटिकल सिस्टम है उहदे ते भी काफ़ी प्रभाव पैंदा है। होस्ट कंट्रीज़ अपनी इकनॉमिक मदद लई इन्हां ते डिपेंड होण करके किसी भी फैसले लई इह सुतंत्र नहीं रहिंदे। नैक्सट है विदेशी मुद्रा भंडार दा शोषण, एक्सप्लाइटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये मल्टीनेशनल कारपोरेशन अपने शेयर्स
ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਫੀਸ ਰੋਇਲਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।